अभी हाल ही में पूरे विश्व ने ओजोन दिवस मनाया है। आपको बता दें कि ओजोन हमारी पृथ्वी की वो परत है जो हमें सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है, और पिछले कई सालों से ओजोन को बचाने के लिए कई प्रयास पूरे विश्व में किए जा रहे हैं। उन्हीं प्रयासों को करती हुई एक कंपनी है ऐशरे, जो कि लगातार कई सालों से ग्रीन बिल्डिंग्स बनाने का काम कर रही है और हमारा पर्यावरण संतुलित रहे, उस ओर इनके कदम वाकई में सराहनीय। हमारे साथ में नितिन जी मौजूद हैं। सर, पूरा विश्व ने अभी 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया, और क्योंकि आप ग्रीन बिल्डिंग्स में काम कर रहे हैं ताकि जो भी एसी है, रेफ्रिजरेशन है, इनसे जो जो सबसे ख़तरनाक जो गैस है जो ओजोन को नुकसान पहुंचाती है, उसे बहुत हद तक आप लोगों ने कम भी करा है अपने प्रोडक्ट्स के ज़रिए, तो इस दिशा में आप क्या काम कर रहे हैं और आगे हमारे पर्यावरण और ज़्यादा अच्छा बने उसके लिए क्या कुछ आपके कर? बिल्कुल, थैंक यू, शुक्रिया। तो जनाब, ऐसा है कि जैसे आपने बताया, ओजोन की परत है और जो एयर कंडीशनिंग में गैसें यूज़ होती हैं वो उससे जाके वो परत इम्पैक्ट होती है और वो पतली होती जाती है। अगर वो पतली होगी तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। इसी से एक रिलेटेड टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। तो जितनी भी गैसें होती हैं, हर गैस का एक तो ओजोन का पोटेंशियल होता है, जिसको हमारी भाषा में हम ODP बोलते हैं, ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल। दूसरा होता है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। तो जैसे आपने देखा है, अपने फ्रिज की गैस, अपने गाड़ी की एसी के गैस के अंदर पहले एक गैस यूज़ होती थी जिसका नाम था R11, R12। अब वो बंद होती जा रही है, हम R22 यूज़ करते हैं, जो भी अब आगे हटने वाली है। ये ऐशरे के कोड्स ने हमें बताया है, जो ये प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं वो प्रोटोकॉल का नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। उसको साइन हुए हुए करीब 25-30 साल हो गए हैं, उसमें मेजर इम्पैक्ट आया है। अभी उसमें और भी डेवलपमेंट हुआ है और हम दूसरी गैसेस पे जा रहे हैं, जिसमें ये जो केमिकल्स होते हैं, जिनसे कि ये रसायन होते हैं जिनसे ये इम्पैक्ट होता है, उनको हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, उनको कम करते जा रहे हैं। तो नई नई गैसेज आ गई हैं जो कि आजकल के मैन्युफैक्चरर अपने एसी में और इक्विपमेंट्स में काम में लेते हैं, जिससे कि ये इम्पैक्ट और कम हो जाएगा। सर, ग्रीन बिल्डिंग्स की अभी अपनी चर्चा हुई है, तो ग्रीन बिल्डिंग्स में ऐसी क्या टेक्निक्स आपके द्वारा यूज़ की जा रही हैं जो शायद कभी पुराने ज़माने में वही यूज़ होती थी हमारे किलों में, महलों में, तो अभी वो ऐसी कौन सी टेक्निक्स है जिससे ग्लोबल वार्मिंग धीरे धीरे कम हो रही है? बिल्कुल। तो जैसा अभी कक्कड़ साहब भी बता रहे थे, जो आजकल की बिल्डिंग्स हैं, भले ही वो कमर्शियल बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, फैक्ट्री है, डेटा सेंटर है, बैंक है, कुछ भी है, होटल है, उनका जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा की खपत है वो आती है एयर कंडीशनिंग और हीटिंग से। उसमें एयर कंडीशनिंग आ गई, हीटिंग आ गई, रेफ्रिजरेशन आ गया, वो तकरीबन 40-45% हो जाती है, बाकी सब 50-55% है। उसको कम करने का सबसे बेसिक चीज़ है कि हमें लोड ही कम करना है। तो उसके लिए जो काम करा जा रहा है उसको हम बोलते हैं पैसिव डिज़ाइन। तो हम ऐसी बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं जिसमें बिल्डिंग के अंदर लोड ही कम आ रहा है। लोड क्यों कम आ रहा है? क्योंकि आपका ओरिएंटेशन ठीक है, क्योंकि आपकी ओपनिंग्स वहाँ हैं जहाँ होनी चाहिए, क्रॉस वेंटिलेशन हो रहा है, क्योंकि आपकी दीवारें मोटी हैं, क्योंकि आपका ग्लास सिंगल पेन का नहीं होकर डबल प्लेन है, क्योंकि छज्जा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हमारा और ऐशरे के इसके कोड्स हैं जो ये कोड्स गवर्न करते हैं। वो कोड्स ये कहते हैं कि हमको ऑनविलप से पैसिव डिज़ाइन में जो लोड आ रहा है वो कितना होना चाहिए। सो एक रूल ऑफ थंब बताता हूँ मैं आपको। हम लोग नॉर्मली एसी खरीदने जाते हैं अपने घर का, हम बोलते हैं कि भाई आप 100 square feet, 150 square feet पे एक टन का एसी ले लीजिए। ऐशरे जो बोलता है मिनिमम, अब हम कह रहे हैं ग्रीन बिल्डिंग्स में 300-350 square feet पर टन, हम लोग जो डिज़ाइन कर रहे हैं वो हो रहे हैं 600-650 पे। तो कहाँ 100-150, कहाँ 600-650। सर, जिस प्रकार से जैसे अभी आपने बताया ग्रीन बिल्डिंग्स में क्या क्या टेक्निक्स हैं, एक आज भी क्योंकि हम जयपुर राजस्थान में खड़े हैं और राजस्थान किलों और महलों का प्रदेश कहा जाता है, हवा महल की अगर हम बात करें या आमेर महल की बात करें, तो इन महलों को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। कुछ चीज़ें आपने भी बताई हैं कि अगर हम भरी धूप में भी 50 डिग्री टेम्परेचर में भी अगर हम इनके अंदर खड़े तो हमें गर्मी नहीं लगती, उसमें हवा का जो हम कह सकते हैं जो सर्कुलेशन है वो इस तरीके से, क्या इस प्रकार की भी चीज़ें आपकी ग्रीन बिल्डिंग्स में हैं? बिल्कुल, इस प्रकार की चीज़ें भी हैं, उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड मोड वेंटिलेशन। तो बिल्डिंग हम 20 डिग्री 21 डिग्री पर नहीं डिज़ाइन करके 27-28 डिग्री पर डिज़ाइन होते हैं। आपने देखा होगा आजकल के एयरपोर्ट्स में वो पंखे होते हैं जिनके 8-8 मीटर की ब्लेड्स हैं, उनको बोलते हैं हाई वॉल्यूम लो स्पीड फैंस। वो बिल्डिंग्स में डिज़ाइन करे होते हैं ताकि हल्की हवा आए, क्योंकि जोर की हवा आएगी तो आप जो भी काम कर रहे हैं वो कर नहीं पाएंगे, पेपर उड़ेंगे और अन्य तरह की प्रॉब्लम्स होंगी। तो स्लो स्पीड फैंस पे जब बॉडी के ऊपर से हल्की एयर निकलती है तो बॉडी का टेम्परेचर 2-3 डिग्री कम होता है। सो दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द ग्रीन बिल्डिंग डिज़ाइन वेरी मच। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए आपके द्वारा गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान या सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ सहयोग में कुछ प्रोजेक्ट्स आपके हैं? बिल्कुल आते हैं, इनफैक्ट गवर्नमेंट का तो मैंडेट है, बड़े प्रोजेक्ट्स तो इनको
जो भी प्रोजेक्ट CPWD या PWD अलग अलग डिपार्टमेंट्स करते हैं उनको ग्रीन बिल्डिंग लेना ही लेना होता है, उसके भी कई कोड्स हैं। अगर आप जयपुर में देखें तो सेक्रेटेरिएट का प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, और भी कई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो RSRDC के हैं या PWD के हैं या अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हैं, वो ग्रीन उनकी रेटिंग ली गई है। ये जो MLAs के नए आवास बने हैं, विधायक आवास, वो भी ग्रीन रेटिंग है। एक आखिरी सवाल सर ये कि अभी जैसे हाल ही में हमारे CM साहब जापान कोरिया की यात्रा पे गए, हमारे राजस्थान गवर्नमेंट के कई मिनिस्टर हैं जो फॉरेन टूर पर हैं, और उनका एक ही मकसद है दिसंबर के अंदर जो राइजिंग राजस्थान इवेंट होने वाला है जिसमें बड़े पैमाने पे राजस्थान में इन्वेस्टमेंट आएगा, तो उसके रिगार्डिंग भी आपके कुछ प्लानिंग्स हैं? तो वो डायरेक्टली हमसे रिलेटेड नहीं है, बट डेफिनेटली ASHRAE वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट उनके साथ जो राजस्थान सरकार का हो रहा है, उसमें जो भी हम कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं हम देंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि कक्कड़ साहब और हम उनके साथ ज्वाइन होकर उनके साथ कुछ MOU करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में कक्कड़ साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, चीफ इंजीनियर हैं। सर, जिस प्रकार से नितिन सर ने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए और ग्रीन बिल्डिंग जो इनके कंट्रीब्यूशन से जो बन रही है, ASHRAE जो बना रहा है, तो आज सबके मन में एक ही सवाल है। अभी हाल ही में हमने पूरे वर्ल्ड में जो टेम्परेचर जो राइजिंग हुआ, इनफैक्ट जयपुर के अंदर कभी कई सालों बाद में 50 डिग्री अबव 50 डिग्री टेम्परेचर हुआ, और इस दिशा में आप लोग जो काम कर रहे हैं उससे पर्यावरण का संतुलन तो बन ही रहे, ताकि आगे आने वाले समय में तापमान कम होगा, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ASHRAE जो सोसाइटी है उसके जो आप यदि देखेंगे हमारी सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं वो स्टूडेंट मेंबर्स से हम स्टार्ट करते हैं, और स्टूडेंट मेंबर्स जो होते हैं हमारे वो आप विश्वास आप ASHRAE जो है वो KG क्लास से 12वीं तक के बच्चों के को भी मेंबर्स बनाता है, उनके प्रोग्राम भी करता है। फिर हमारे स्टूडेंट चैप्टर्स होते हैं, जैसे कि जयपुर में हमारे दो इंस्टीट्यूट्स हैं, मणिपाल इंस्टीट्यूट है और पूर्णिमा यूनिवर्सिटी है जिसमें हमारा ASHRAE का स्टूडेंट चैप्टर है। इसके अलावा बिट्स प्लानी IIT जोधपुर आयोजन स्कूल, इसमें हमारे स्टूडेंट चैप्टर इस साल हमारे खुल जाएंगे। तो आप देखिए, हमारा जो सोसाइटी का जो मेन एम है, और जैसा आपने कहा कि पर्यावरण के ऊपर ही ये पूरा काम कर रहा है, एनर्जी को बचाने के लिए, और एक जो वर्ड बहुत बजवर्ड चलता है सस्टेनेबिलिटी के लिए, आने वाली जनरेशन्स को इस पूरे से रखने के लिए, तो हम सस्टेनेबिलिटी भी करते हैं, तो हम बच्चों से शुरू करते हैं, हम छोटे छोटे बच्चों को ये समझाने की कोशिश करते हैं वातावरण के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, उनके जो उसको यदि आप गलत यूज़ कर रहे हो तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, आपके ऊपर क्या पड़ेगा, आपकी जनरेशन के ऊपर क्या करेगा। फिर हम जब स्टूडेंट्स को जो कॉलेज में होते हैं तो उनको उनकी तरीके से उनके लेवल पे सिखाते हैं, और उनकी जो मेंबरशिप फ़ीस होती है वो बहुत कम है, $30 है, और जो स्टूडेंट चैप्टर की जो फैकल्टी होती है उनकी फ़ीस भी हम बहुत कम लेते हैं। और इसको करने के लिए ASHRAE स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स देता है, रिसर्च के लिए ग्रांट्स देता है, और आपको ये जानकर खुशी होगी कि जो ASHRAE राजस्थान चैप्टर है ये है तो 5 साल पुराना ही चैप्टर, हमारे ऋषभ कासलीवाल जी इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे राजस्थान चैप्टर के, और हमने अभी तक जो है 2 रिसर्च प्रोजेक्ट्स की हमने फंडिंग करी है, इसके अलावा हमने 4 स्टूडेंट्स को स्पेशल स्कॉलरशिप्स दी है, और हम इनको जो है USA भेजते हैं और वहाँ पर जो इनकी ट्रेनिंग्स होती हैं वो भी कराते हैं। तो इससे आपको ये मालूम पड़ेगा कि जो ये सोसाइटी है, ये जो टेक्निकल मेंबर्स हैं, जो पढ़े लिखे एकेडमिशियंस हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, या जो इस फील्ड के हैं, उनको तो उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में समझाते हैं, लेकिन शुरू से ही जो हमारा मेन एम है वो ये है कि हम बच्चे जब हों तभी से हम उनको ग्रो अप करना चालू करें। इसके अलावा जो हमारे स्टूडेंट की, जैसे मैंने बताया, मेंबरशिप $30 है, लेकिन जब वो फील्ड में आता है तो उसकी शुरू में इतनी उसकी सैलरी नहीं हो सकती कि वो ASHRAE की मेंबरशिप फ़ीस दे सके। तो हमारे एक स्मार्ट स्टार्ट प्रोग्राम है जिसके तहत हम उनको 3 साल तक जो है कम मेंबरशिप पे करते हैं, जिससे कि वो फील्ड के अंदर अपना पैर जमा सकें और जो उन्होंने सीखा है, जो ASHRAE से जो उन्होंने सीखता है उसको अपने उसमें इम्प्लीमेंट करें। तो ASHRAE का यदि जो आप विजन और जो मिशन है वो एनवायरनमेंट फर्स्ट ही है, और इसी तरीके से जितने स्टैंडर्ड्स पब्लिकेशंस होते हैं ये हैं, आपको ये जान के एक अचरज भी होगा और अचंभा भी होगा कि जो ये सोसाइटी है
इसका जो सालाना बजट है ये 200 करोड़ रुपए का बजट है, जो मैं सोचता हूँ कि इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी सोसाइटी है जो एनवायरनमेंट के ऊपर इतने पैसा खर्च करती है, स्टैंडर्ड्स बनाती है। जब हमारे यहाँ जब पूरे वर्ल्ड में कोविड आया तो कोविड की स्पेशल गाइडलाइंस इन्होंने निकाली, जो गाइडलाइंस एयरक्राफ्ट के अंदर लागू हुई, होटल्स के अंदर लागू हुई, हॉस्पिटल्स के अंदर लागू हुई और जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं, रेलवे स्टेशन हैं, उनके ऊपर हमें इससे एयर कंडीशनिंग से कैसे निपटना है, हमें किस तरीके के फिल्टर्स लगाने हैं, ये तो काम करती है, तो स्टैंडर्ड्स तो बनाती है। लेकिन जो हमारे आने वाले टाइम में जिन जिन चीज़ों के ऊपर जो नए डेवलपमेंट्स होते हैं या कोई एनवायरनमेंट की हानि हो रही होती है उसके ऊपर भी ये सोसाइटी बहुत वर्क करती है। जैसा कि अभी ऋषभ कासलीवाल जी आपको बता रहे थे कि बिल्डिंग्स एक मेजर एनर्जी गजलर्स हैं, अब उससे बड़े गजलर्स आ रहे हैं वो हैं डेटा सेंटर के रूप में। तो डेटा सेंटर्स आयरलैंड में लगे, वहाँ ये जान के कि वहाँ पर ठंडक होगी, लेकिन उन्होंने वहाँ भी एनवायरनमेंट को ख़राब करना चालू कर दिया। तो फिर डेटा सेंटर्स की गाइडलाइंस आती हैं कि आपको किस तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है। तो आज जो हमारा है, हम इसी विषय पे ही बात करने वाले हैं और जो हमारे आज के स्पीकर्स हैं वो भी इसके अंदर बहुत ही अपने टेक्निकल एक्सपर्ट फील्ड से हैं, वो भी इस विषय पे बात करेंगे। ऐशरे के प्रेसिडेंट जो है अमेरिका से आज हमारे बीच में है और वो हमारे बीच में है और उनके आने का भी जो है वो इसका मेन मतलब ही यही है कि जितने हमारे मेंबर्स हैं वो मोटिवेट हो। और मैं आपको एक और सूचना देना चाहता हूँ कि 2021-22 को जो एशियर प्रेसिडेंट हैं वो उदयपुर में होंगे और उदयपुर में हमने इंडिया, श्रीलंका एंड बांग्लादेश को लेके यहाँ के जितने डेलीगेट्स हैं करीबन 300 डेलीगेट्स वहाँ आएंगे और इन्हीं विषयों पे ही चर्चा करेंगे और जिससे कि हमारे आने वाले जो प्रेजेंट है उसके एनवायरनमेंट को कैसे अच्छा किया जाए, आने वाले जो ख़राब एनवायरनमेंट हो रहा है उसको कैसे सुधारा जाए, ये बात है। ये थे हमारे साथ ऋषभ कासलीवाल जी और कक्कड़ जी, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि ऐशरे पिछले कई सालों से एनवायरनमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग्स कैसे बने और कैसे जो हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो काम करता है, भले ही वो बिल्डिंग्स का हो, कार का हो, बड़े हॉल का हो, उन सब के अंदर एक ऐसी टेक्निक वो लेकर आए हैं ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसे इन खतरनाक हानिकारक गैसों से नुकसान ना पहुंचे और जो हमारी जो ओजोन की जो परत है उसका जितना नुकसान हो चुका है वो नुकसान ना हो और आगे आने वाले समय में एनवायरनमेंट को सुधारने की दिशा में, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की दिशा में ये इसी प्रकार निरंतर कार्य करते रहेंगे। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।